आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन कोटद्वार में मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रजपाल राजपूत की अध्यक्षता में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी में पहला ओबीसी मोर्चा सम्मेलन कोटद्वार में आयोजित हुआ है। आज जिस तरह ओबीसी के भाई और बहनों की यहाँ उपस्थिति हुई है, जिस तरह उनमें उत्साह है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था है। विशेषकर प्रजापति समाज है और विभिन्न जो हमारे समाज है जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, और हमारे कोटद्वार में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पिछड़ी जाति के भाई और बहन यहाँ निवास करते हैं। तो पहाड़ों में भी सुनार जाति, बहुत सारे ऐसी जातियाँ हैं जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, और उनको संगठित करके उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए उनके अधिकारों का उनके लिए योजनाएं बनाना, ये हमारा ओबीसी मोर्चा का काम कर रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जिस तरह ओबीसी मोर्चा बड़ी उत्साह के साथ, बड़ा उमंग के साथ आज खड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से ये ओबीसी मोर्चा आगे भी तरक्की करेगा। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विधायक के रूप में हमने बहुत सारे काम कोशिश की है इन 4.5 सालों में करने की, लेकिन कोविड महामारी के कारण बहुत सारे काम जो 2 साल हमारे ख़राब हो गए, उसके कारण कुछ जो तेज़ी के साथ गति मिलनी चाहिए थी, जैसे मेडिकल कॉलेज अब तक हमारा बिल्कुल तेज़ी से गति मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल हमारे जब तक हम उसको पूरा एस्टिमेट बनाना, उसको पूरा सोयल टेस्टिंग कराना, कार्यदायी संस्था निर्धारित करना, तो उसमें हमारा काफ़ी समय लग गया। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर से हमारा मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू होगा। ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में तेजी से विकास के नए आयामों को छूने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जातिवाद की बेड़ियां तोड़कर तेजी से विकास की ओर दौड़ रहा है, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में वापसी करेगी। कोटद्वार से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।